जाएंगे लोग महाराज। चलिए फाइनली हम लोग मना चुके हैं। घंटा कहाँ जो यहाँ के रक्षा कर रहे हैं जो देखिए सरस्वती का उद्गम स्थल है ये है भीमपुल मेरे पीछे भीम के पांव के निशान। हेलो फ्रेंड्स हाय मैं हूँ ट्रेवलर पकड़ और मैं हूँ बद्रीनाथ जी में यहाँ से मैं माना गाँव जा रहा हूँ और माना गाँव हम लोग इस बार जेसीबी जाएंगे क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण बाइक स्लिप कर रही है यहाँ पे और अफ्तर भाई ने वाली जेसीबी की व्यवस्था करी है। देखिए इस बहुत ही एडवेंचरस जर्नी को और एंजॉय कीजिए। इनसे मिलिए ये हैं अफ्तर भैया हमारे हम इन्हीं के साथ माना गाँव जाएंगे। हम जाएंगे जेसीबी से अफ्तर भाई ने व्यवस्था करी है जेसीबी की ये देखिए आ गई जेसीबी इससे जाएंगे लोग माना गाँव। चलिए चलते हैं फिर वहाँ जाके आपको व्यू दिखाएंगे।
फाइनली हम लोग मना चुके हैं। ये देखिए पीछे का नज़ारा कितना प्यारा है। चलते हैं माना गाँव। स्वर्ग है कहते स्वर्ग। बाकी देखते हैं वहाँ से कहाँ जाना पॉसिबल होगा, क्योंकि बर्फ के कारण और मेरे जूते वैसे खराब हो गए। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। माना गांव जाती रास्ता। बैक कैमरे से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। माना गांव भारत का आखिरी गांव। इसके आगे तिब्बत की सीमा लगती है। हम इस समय क्वार्टर में। ये देखिए नज़ारे। आ गया भारत का आखिरी गांव। चाय की दुकान आ गए हो, इस पे लिखा है। हाँ यहाँ पे चल सकते हैं। ये देखिए नजारा पीछे का। लॉटरी जाने पहले चल रहे संभल के आना भाई, ऊपर से बर्फ पिघल रही है। घर कितने पुराने बने हुए हैं। हाँ घंटा कहाँ जो यहाँ के रक्षा कर रहे हैं। जय प्रभु। आखिरी चाय की दुकान किधर है। Thank you.
सुहाना गांव। वो ही है मैं कह रहा था, ये सरस्वती कुंड होगा। ये देखिए ये सरस्वती कुंड है ना, ये मैं आ गया हूँ। हाँ सरस्वती का निकल रही है ना यहाँ से, यहाँ से शुरू है ये। ये देखिए सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। और वो है हमारी अंतिम चाय की दुकान। भीमपुर कौन सा? क्या जिस पे खड़े हैं ये भीमपुर? भीमपुर है। अच्छा जिस पुल पे हम लोग खड़े हुए हैं इस समय, ये भीमपुर है। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं नीचे से। अभी नीचे से आपको दिखाते हैं, पहले इधर चाय की दुकान में। ये चाय की दुकान, ये है भीमपुर मेरे पीछे। ये भीम पुल है और भीम जी ने इसके पुल की स्थापना की थी। आप देख सकते हो माना गांव है, पांचवी गांव। और ये भीम के पाँव के निशान किधर दिए? अच्छा ये पीछे देखिए, भीम के पाँव के निशान लिखा हुआ है यहाँ पे, भीम के पाँव के निशान। अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर। ये है भीम पुल और नीचे सरस्वती का उद्गम है और ये भीम के पांव के निशान है यहाँ, ये निशान है। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ टेबल प्रखर और हमें माना गांव जाना था। इस वीडियो में माना गांव का मैंने दिखाया है अपनी यात्रा में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत कम अवेलेबल होता है। माना गांव 3 किलोमीटर है बद्रीनाथ जी से। हम अपनी कार से नहीं गए थे इस बार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे। वहाँ एक भैया मुझे मिले थे जो मेरे पुराने मित्र थे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो वहाँ, अफ्तर भाई। उनने हमारी काफ़ी हेल्प की और वो हमें JCB से माना गांव ले गए थे। इस वीडियो में उसका पूरा जिक्र करा है। माना बहुत ही सुंदर गांव है, बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर आगे वहां पे आखिरी चाय की दुकान है, भीमशिला है, ब्यास गुफा है, सरस्वती नदी का उद्गम है,
तो आप लोग भी चाहिए और देखिए वहाँ की सुंदरता। हम वहाँ से आगे वसुधारा फॉल भी गए थे और पांडव गुफा वो देखने भी गए थे। और पहली बार कोई जेसीबी से गया होगा माना गाँव शहर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री बद्री विशाल।